So, दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एकदम ही अलग होने वाला है क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम नया है। आज तक हम लोग ने जितना भी ब्रांड का गाड़ी यूज किया हुआ है मेरे फैमिली में, ना ही मैं किसी से सुना हूं कि ऐसा होता है और ना खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है, शायद वो इंडिया में पहली बार कर रहा हूं मैं, या हो अगर किसी ने किया है तो मैंने कहा आज तक कभी ऐसा कोई टॉपिक पे कोई डिस्कस कर रहा है हम देखा नहीं है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि सब लाइफ में मस्ती में होंगे। तो मेरे जो चैनल है वो कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं हम लोग गाड़ी के ओनरशिप एक्सपीरियंस और गाड़ी के वर्कराउंड के साथ 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 मैंने कुछ महीने पहले ग्रैंड एटे न्यूज खरीदा 2023 मॉडल, तो इसके ऊपर भी मैं पूरा वर्कराउंड, ओनरशिप एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सरीज लगाया है, क्या क्या लगवाऊंगा, क्या क्या रोड ट्रिप पे जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम फेस करूंगा और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, ये सब टोटल चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो जो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बट उससे पहले वीडियो को देख लीजिए कि पसंद आए तो ही कीजिए। निर्मा का ऐड आता था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसी तरह। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक हुंडई से फोन आता है कि सर आपने कुछ महीने पहले आपने हमारे कंपनी का गाड़ी लिया है जो है कि ग्रैंड एटे नियोस, तो उसका एक फीडबैक सर्वे करने के लिए मैं आपका होम विजिट करूंगा। तो ये जो चीज है ये मेरे लिए एकदम नया है क्योंकि आज तक जितना भी ब्रांड का गाड़ी हम लोग यूज किया है, मतलब मेरे फैमिली मेंबर हो गया या अपने दोस्तों में या आस पड़ोस में, कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई गाड़ी खरीदने के बाद आता है घर पे, टेस्ट ड्राइव लेता है, फिर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो सब बारे में डिस्कस होता है, एक फीडबैक लिया जाता है और ये आईपैड पे रिकॉर्ड होगा, वो पहले बोल दिया था हम लोग को। तो ये कभी मेरे लिए, मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस जो है ना ये मेरे लिए एकदम नया है। और देखिए जनरली गाड़ी खरीदने के बाद शोरूम से कॉल आता है, एक फीडबैक लेटर लिया जाता है, ठीक है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, बट इतने महीने के बाद होम विजिट, ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था। तो आज वो आए हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि उनसे मेरा क्या क्या बात हुआ। ये जो ओवर द टाइम जो कन्वर्सेशन चलेगा वीडियो में वो बंगाली में है क्योंकि वो बंगाली में ही कंफर्टेबल थे। मैं आपको इंग्लिश सबटाइटल प्रोवाइड कर दूंगा, चलिए देखिए उसके बाद बात करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को सबटाइटल प्रोवाइड करने से मैं आपको वॉइस ओवर दे देता हूँ क्योंकि उतना टाइप करने का मन नहीं कर रहा है। जो भी हो, तो मेन जो बात है ना कि पहले मैं वो आए, वो आने के बाद हमको एक हुंडई की तरफ से एक वेलकम लेटर दिए, फिर हम पूछा कि ये मेनली सर्वे अचानक ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बता रहा था कि अभी बहुत सारा केसेस आने लगा है कि जहाँ पे कंपनी या शोरूम वाला क्या कर रहा है कि कस्टमर को पुराना गाड़ी पकड़ा दे रहा है या बहुत सारा कंप्लेन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से, इवन हुंडई से भी हो रहा था, तो जिसके वजह से वो एक कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कि कस्टमर कैसे हैं, कैसे सेटिस्फाइड है। फिर उन्होंने पूछा कि मैं इससे पहले कौन सा गाड़ी यूज़ करता था, फिर वो गाड़ी से मैं इस गाड़ी पे क्यों अपग्रेड हुआ, और फिर मैंने उनको बताया कि मैं मारुति से अपग्रेड कर रहा हूँ और मारुति से के साथ मेरा फैमिली रिलेशन अगर मैं बोलूँ तो 1989 से है, मतलब ओमनी के टाइम से है। तो फिर उन्होंने पूछा कि इतना समय जब हो गया यूज़ कर लिया तो फिर अचानक से मारुति पे क्यों है, तो मैंने उनको फिर बोला कि मेरा ये कुछ प्रॉब्लम था उन कंपनी से और मेरे को दूसरा कंपनी का भी एक्सप्लोर करना था, और सबसे बड़ी बात मेरा मम्मी का भी बहुत दिन से इच्छा था कि हुंडई की गाड़ी लेना, स्पेशली ग्रैंड एटे नियोस, तो इसीलिए मैं इसमें ट्रांसफ़र किया। फिर उन्होंने फिर यूजुअल स्टफ पूछा कि शोरूम कैसा परफॉर्म किया, शोरूम ने कैसे एडवाइस किया हमको, फिर शोरूम को क्या रेटिंग देना, सेल्स पर्सन को क्या रेटिंग देना, सर्विस को क्या रेटिंग देना। तो मैंने उनको बोला देखिए मेरा गाड़ी उतना तो चला नहीं है, मैंने अभी तक सिर्फ 550 किलोमीटर ही तक ही चलाया है, तो उस हिसाब से तो मैं बोल नहीं सकता कि सर्विस सेंटर में आगे जाके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, पर फिलहाल मैं एक बार गया था एक छोटा सा इशू लेकर, तो वो मेरे को जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं हुआ था कि मेरा एक छोटा सा स्क्रैच गिर गया है, तो उन्होंने बोला था टचअप हो जाएगा। फिर मैंने जब वहाँ गया तो वो लोग सुबह से बोलने लगा, 2-3 घंटा बैठवाया कि हो जाएगा हो जाएगा, फिर बैठने के बाद वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर नहीं होगा, तो ये बात तो वो लोग पहले भी बोल सकते थे। तो ये सब मैंने उनको बताया तो बोले ठीक है, फिर वो मेरे को बोले कि आप हुंडई को रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ जो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने ये चीज़ नोट डाउन किया, उन्होंने कॉपी पे भी लिख रहे थे, आप देख रहे हैं, साथ में साथ ऑनलाइन अपलोड भी कर रहे थे। ये एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैं वो हैंड रिटन भी ले रहे थे क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए।
और फिर उन्होंने बोला कि एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव पे जाना है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं टेस्ट ड्राइव पे ले जाना मतलब कैमरा का स्टैंड ले जाना भूल गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट ड्राइव में हुआ कि, तो उन्होंने एसी कैसे काम कर रहा है वो देखें, माइलेज क्या आ रहा है, जो मैंने बताया वैसा मिल रहा है कि नहीं, बाय द वे मेरे को 16 मिल रहा सिटी में। फिर उन्होंने इंजन का वाइब्रेशन मतलब NVH लेवल देखें, फिर इंजन शेक कर रहा है कि नहीं, सारा माउंट सही है कि नहीं, ओवरऑल गाड़ी कैसा रखते हैं हम और शोरूम से कैसे मिला था वो सब भी पूछा। फिर हमको कोई एक चीज़ हम देखा, हुंडई का सर्विस गाड़ी खरीदने के बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है जिसमें मेरा सेल्स पर्सन, उनका जो टीम लीडर, मेरा जो फिनेंस एडवाइज़र था क्योंकि मेरा गाड़ी लोन पे है, मेरा जो फिनेंस, उन लोगों का फिनेंस का जो टीम लीडर था वो, शोरूम मैनेजर, कस्टमर मैनेजर, सर्विस मैनेजर, इन सबको मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया है मुझे। अगर मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता मैं वहाँ करता हूँ। और एक चीज़, मेरा डेली का डेली मेरे को हुंडई से एक गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, ये थोड़ा मेरे को कभी कभार इरिटेटिंग लगता है सच बोलने से, क्योंकि मैं हर वक्त रिप्लाई नहीं दे सकता ना, और मेरे को ख़राब लगता है मैं किसी को अगर रिप्लाई नहीं दूँ। तो ये सब चीज़ वो मेरे को पूछ रहे थे ये सब होता है कि नहीं। फिर उन्होंने मेरे को ऐप के बारे में पूछा कि हुंडई का एक ऐप है उससे मैं सर्विस बुक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने कैसे कैसे यही गाड़ी चूज़ किया, ये सब वगैरह वगैरह मेरे को पूछ रहे थे। फिर मेरे को पूछा मैंने दूसरा कौन सा कंपनी का गाड़ी देखा था। तो यही मेरे को ओवरऑल मेरा ओवरऑल इंटरेक्शन था उनके साथ, आज का ये फीडबैक जो सेशन था उनके साथ इसमें। तो अभी निकला था, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लिया, थोड़ा रिकॉर्डिंग करना नहीं कर पाया जब निकल रहा था क्योंकि मैं स्टैंड लेके आना भूल गया। तो उन्होंने वही देखा गाड़ी का कंफर्ट कैसा है, एक बार उन्होंने भी एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरे को कोई कंप्लेन है कि नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो इनके साथ इंटरेक्शन था वो बढ़िया ही था, मतलब मैं 10 में 9 दूंगा। छोटे से टेस्ट ड्राइव पे गए तो मैंने उनको बोला कि मेरा राइट साइड का जो टायर है रियर साइड में, तो उसमें ना हल्का हल्का एक आवाज़ आ रहा है। तो उन्होंने वो देखे, देखने के बाद बोले कि ये थोड़ा बैलेंसिंग करवाना है तो वो सर्विस सेंटर लेके जाना है। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं। और फिर पूरा गाड़ी का कम्फर्ट देखे, AC चेक किए, इंजन बे चेक किए, और फिर ओवरऑल हमको एक बोले कि अगर फर्दर कोई कंप्लेन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो सर्विस सेंटर लेके जाने में, अगर वही सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम हो रहा है तो सैनी हुंडई का दूसरा जो आउटलेट है वहां पर ले जाने, अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो हम डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं वाया मेल ताकि वो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यही जो चीज मेरा उनसे बात हुआ, और नहीं तो ओवरऑल इन्होंने मेरे को अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। इनका भी जो बोलने का ढंग हो गया, इंटरेक्शन हो गया, ये भी बहुत अच्छा था। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस था मैं इसमें 10 में 9 दूंगा, और ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था क्योंकि कभी मैंने ऐसे कभी फेस नहीं किया, मतलब अचानक से इतना दिन बाद कैसा है नहीं है। और उन्होंने हमको बोला, जो आप लोग का भी कमेंट आता है कि गाड़ी मेरा एकदम ही नहीं चला, अभी मेरा 520 के करीब चला है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जहाँ काम होता है या जो मेरा ओवरऑल वर्क शेड्यूल रहता है वो मेरे को बाइक से ही कम्फर्टेबल है। मतलब गाड़ी लेके जाके पार्किंग का बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जिसके वजह से गाड़ी से मैं बाइक ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए मेरा बाइक ज्यादा चलता है। तो यही सब था, मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ आज का जो वीडियो का मेन मुद्दा था। तो शायद आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कोई फीडबैक लेने आया है या आएगा तो आप लोग का इंटरेक्शन कैसा था वो मेरे को कमेंट में बोलिए। जो टॉपिक था वो यही था, मैं आपको मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर मिलूंगा एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। टाटा।